नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में निक्षेप मत के अंतर्गत बुधवार को कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत और हल्द्वानी के निवर्तमान मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने तकरीबन 15 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास किया। बता दें कि इन कार्यों में कालाढूंगी हल्द्वानी काठ गोदाम सितारगंज बिजली मार्ग चौड़ीकरण के साथ अन्य कार्य किया जाना है। इसके तहत ही स्थानीय लोगों का कहना है कि करोड़ों के कार्यों का शिलान्यास होने पर सड़कों के चौड़ीकरण का निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा और जाम से भी निजात मिलेगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सर, ये तो बहुत जरूरी विषय था और काफी लंबे समय से रुका हुआ था। माननीय विधायक जी का हम धन्यवाद करते हैं कि आए दिन कालाढूंगी चौराहे से लेकर ऊंचा पुल तक का लगातार जो जाम की समस्या बनी हुई है, अब यहाँ पर क्षेत्रीय लोगों को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। हम सभी लोग आज इसका लोकार्पण के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और हम बहुत जल्दी इस लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आज कालाढूंगी विधानसभा में जो प्रस्ताव भेजे थे हमने और मेयर साहब ने, जो आवश्यक काम थे उनमें लगभग 15 करोड़ के कार्य, 8 कार्य उनका शिलान्यास कार्यक्रम आज कर रहे हैं, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने, PWD मंत्री जी ने स्वीकृत किया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमको ये 15 करोड़ की राशि हमारे आग्रह पर, मेयर साहब के आग्रह पर दी है। तो हम आज इन 8 कामों का शिलान्यास कार्यक्रम कर रहे हैं।